बयाना कोविड-19 महामारी की रोकथाम में अपनी जान को जोखिम में डालकर सेवाएं देने वाले कोविड स्वास्थ्य सहायकों को नहीं मिला पिछले 6 महीनों से उनका वेतन, जिसकी वजह से आर्थिक तंगी से बेहाल कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया व ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राजस्थान सरकार उनका शोषण कर रही है और 6 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया व एनएचएम में भी शामिल नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। हमारी 15 जुलाई 2021 से नियुक्ति हुई है और हमें आज तक 6 महीने हो गए काम करते करते, हमें कोई भी मानदेय आज तक नहीं मिला है। हमें केवल आश्वासन दिया जाता है, हर जगह जाते हैं वही आश्वासन। कलेक्टर साहब ने हमारी ड्यूटी 3 दिन के लिए कामा नगर पहाड़ी लगा दी गई और कहा था कि आपके लिए सब टीए दिया जाएगा। आज तक हमारे लिए ना तो कोई टीए नहीं, 6 महीने से कोई वेतन नहीं। हमने कोरोना काल में ऐसी महामारी में हमने काम किया, मगर हमारे लिए आज तक हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिला है। मैं ऐसा आशा करता हूँ हमारी मांग पूरी करें। और आज तक हमने अपनी जान जोखिम में डाल के हमने अपना काम किया है और आज तक हमें 6 महीने हो गए, ना तो हमें आज तक कोई वेतन मिला है, ना हमें कोई आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। हम 20 किलोमीटर दूर से आते हैं टेम्पू से, बसों से, लेकिन आज तक हमारे किराए का भी चलाना मुश्किल हो रहा है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। हमारे 2-2 महीने 4-4 महीने के छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको छोड़ के आते हैं ऐसी महामारी में, लेकिन सरकार हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे रही है। हम सरकार से आशा करते हैं कि वो हमारा मानदेय दिलवाएं और हमें एनएचएम में शामिल करें और हमें आशा दिलाएं, आशा है कि सरकार से कि जो भी हमारी मांगे हैं उनको पूरा करवाए सरकार से।